स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस धन का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 155 रुपये हो जाएगा। स्टूडेंट्स डेफिनेशन एक बार फिर सुन लीजिए, किस धन का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 155 रुपये हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कभी भी साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के अंतर का क्वेश्चन हो और समय 3 वर्ष दिया गया हो, मैं आपको ये बताता हूँ कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का जब भी अंतर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, आप याद रखेंगे कि 25 साल मुझे पढ़ाते हो गए हैं और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज तक ऐसा क्वेश्चन कभी भी जब आया है तो या तो 2 साल वाला क्वेश्चन या 3 साल वाला क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। और आपको ये याद रखना चाहिए कि अगर साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के अंतर की क्वेश्चन में बात हो और समय 3 साल दिया गया हो तो उस सवाल को कैसे निकालना चाहिए, उसका एक मेथड है स्टूडेंट्स। देखिए वो मेथड क्या है कि अगर समय 3 वर्ष दिया गया हो, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के अंतर की बात हो, तो हमेशा उसमें मूलधन या अंतर पूछा जाता है। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूं, मूलधन, ये देखिए मूलधन, इसको हम पी बोल सकते हैं, इनटू दर बटा 100 का होल स्क्वायर, दर बटा 100 का होल स्क्वायर यानी पावर 2 इनटू 300, ये 3 वर्ष के लिए, 3 साल के लिए, 300 जमा दर, ये देखिए दर बटा 100 बराबर है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती माइनस साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर जो क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए स्टूडेंट्स या तो मूलधन पूछा जाता है या साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर पूछा जाता है। देखिए अब मैं क्वेश्चन बोल के आपको बताता हूं क्वेश्चन क्या है। कहता है किस धन का 10% वार्षिक दर से, तो क्या पूछा, मूलधन यहां पर पूछा है हमसे स्टूडेंट्स, मूलधन को हम प्रिंसिपल बोलते हैं, तो पी कर सकते हैं, ये देखिए इनटू, कहता किस धन का 10% वार्षिक दर से, तो दर की जगह मैं 10 रख देता हूं, ये देखिए 10/100। देखिए स्टूडेंट समझाने में टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन में डायरेक्ट इसको हम निकाल सकते हैं, लेकिन पहले ये समझ में तो आए फिर उसके बाद में हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए अब यहां इसकी शक्ति 2 और इनटू 300, देखिए 300 जमा दर यानी ये दर, यानी दर यहां पर कितनी है स्टूडेंट्स 10, ये देखिए, और बटा 100। मूलधन निकालना है, कहता है किस धन का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 155 रुपए हो जाएगा। तो देखिए बराबर है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 155 रुपए। अब देखिए हम इसको सोल्व करेंगे और ऐसे ले जाएंगे तो पी ही तो आएगा, मूलधन ही तो आएगा, कैसे, देखिए हम इसको सोल्व करते हैं, यानी पी गुना, ये देखिए 10/100 यानी 10 का स्क्वायर 100 बटा, ये देखिए 100 के कितने बने, 100 का स्क्वायर 10,000 गुना देखिए 310 बटा 100 बराबर क्या हुआ 155। देखिए अब इसको सोल्व हम करेंगे तो इसको ऐसे ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे तो क्या होगा 100/310 और गुना इसको पलट के ले जाते हैं तो ये ऊपर क्या हो जाएगा 10,000 बटा और इधर 100 हो जाएगा, ये देखिए, और इसको हम काटते हैं तो ये देखिए स्टूडेंट्स 100 से 100 कट जाता है और ये देखिए 0 से 0 कट जाती है और देखिए इसको हम काटते हैं तो 31 ये 5 पे यहाँ पर कट जाता है 5 पे, तो देखिए कितना आया, 1,000 को 5 से गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है 5,000 रुपये। देखिए 5,000 रुपये वो मूलधन हमें प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स कभी भी इस क्वेश्चन में
अगर यहां पर आपसे पूछना चाहेगा तो वो ये भी कह देगा कि देखिए मूलधन दे देगा और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ लेगा। कैसे? कह देगा कि 5,000 रुपये का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, देखिए सॉरी 5,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 3 साल में कितना हुआ। तो देखिए फिर ये अंतर आपका एक्स हो जाएगा और इसमें पुट करेंगे यहाँ 5,000 होगा और जब ये पुट करेंगे इसको काटेंगे तो हमें 5,000 प्राप्त हुआ है। और अगर अगर 5,000 हमें क्या प्राप्त था, मूलधन प्राप्त हुआ है, लेकिन जब मूलधन दिया होगा तो हमें अंतर प्राप्त होगा। तो देखिए इसमें या तो मूलधन और या यहाँ पर अंतर पूछा जाता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन है कि जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया हो, जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर की बात हो और समय 2 साल दिया गया हो और इन्हीं में से पॉइंट्स पूछे जाते हैं, कैसे? ये देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है, कहता है किस धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 6.25 रुपये हो जाएगा। देखिए जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर की बात हो और समय 2 वर्ष हो तो देखिए सूत्र क्या है। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अंतर दोनों का अंतर, स्टूडेंट्स याद रखें दोनों का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर गुना 100 स्क्वायर, ये देखिए 100 स्क्वायर 2 साल के लिए 100 गुना 100 और बटा ये देखिए 10 स्क्वायर और बराबर है मूलधन। स्टूडेंट्स ये फार्मूला हमें याद रखना चाहिए। और अगर ये पूछा जाए, अब देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, तो देखिए धन हमें बताना है, 5% वार्षिक दर दी हुई है तो हम इसे पुट कर सकते हैं। देखिए 5% वार्षिक दर 5 की पावर 2 यानी 25 हम यहां पर लिख सकते हैं। कहता है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष के लिए देखिए हमने यहां पर 100 गुना 100 यानी 100 की पावर 2 लिख दिया। ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 6.25 रुपये हो जाएगा। तो ये देखिए अंतर हमने लिखा हुआ है तो 6.25 रुपये मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। स्टूडेंट्स देखिए अगर हम इसको पुट करने के बाद काटेंगे तो क्या मिलेगा, मूलधन, तो वह धन ही तो प्राप्त होगा। अब देखिए इसका हम पॉइंट मिटा देते हैं और नीचे इसके नाम के 100 उतार लेते हैं। अब देखिए 100 से 100 कट जाते हैं और ये देखिए 25 25 625। अब देखिए 2500 रुपये, इसका मतलब हमें वह धन 2500 रुपये प्राप्त हुआ। तो देखिए इसी क्वेश्चन में वो पूछ सकता है कि ध्यान से आप देखिए कह सकता है कि 2500 रुपये का, देखिए 2500 रुपये का, अब तो यहां पर उसने क्या पूछा, मूलधन पूछा, अब वो कह सकता है 2500 रुपये का 2 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स अंतर की जगह यहां पर हम एक्स कर देंगे, बाकी सभी को पुट करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूं, अंतर पूछा गया है, एक्स कर देंगे, ये देखिए 100 स्क्वायर यहां पर कर देंगे यानी 100 गुना 100 और बटा दर दी हुई है यानी इस सूत्र में कहा गया है 10 स्क्वायर यानी दर 5 है तो 5 स्क्वायर यानी 25 और बराबर है 2500 रुपये का, वो दिया हुआ है 2500। देखिए स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन गया है, इसको हम क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने पर क्या आएगा, एक्स का मान ही तो आएगा। कैसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए 2500 यानी पहले इस पेयर को उठाएंगे, कंप्लीट पेयर है, ये इनकम्प्लीट है, ये बाद में उठेगा, 25 गुना 2500 देखिए स्टूडेंट्स और अपॉन 100 गुना 100 ये देखिए 100 गुना 100 और इसको अगर आप काटेंगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये देखिए 25 चौका 100 ये देखिए 25 चौका 100 तो 25/4 क्या आया स्टूडेंट्स, वही तो आया 6.25 रुपये। अगर हम इसको खोलते हैं तो 6.25 रुपये प्राप्त होता है। फिर ये कह सकता है कि 2500 रुपये का किस दर प्रतिशत से, देखिए अगला क्वेश्चन, 2500 रुपये का किस दर प्रतिशत से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6.25 रुपये हो जाएगा। अब देखिए दर पूछ ली स्टूडेंट्स, वही बात है, जब दर पूछी है तो वही बात, देखिए यानी
रुपये पच्चीस पैसे हो जाएगा, तो इसका मतलब 6.25 दिया गया है गुना अंतर गुना 100 सुकिया, ये देखिए, और बटा, ये देखिए, बटे क्या करेंगे 10 स्क्वायर, यानी हम 8 स्क्वायर को यहां ऐसे कर लेते हैं, और यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम 2500 पुट कर देते हैं। देखिए अब 8 स्क्वायर पूछी हुई है, बाकी सारे पॉइंट दिए हुए हैं वो हमने फुलफिल कर दिए। अब देखिए इसको क्रॉस करेंगे तो स्टूडेंट्स वही तो आएगा क्या, कि देखिए अब हम इस पेयर को पहले उठाएंगे क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, इस पेयर को उठाएंगे तो क्या हुआ, देखिए 6.25 गुना 100 गुना 100, देखिए और गुना एक करना चाहे तो कर ले, जरूरत नहीं है, और देखिए फिर अपोन में क्या आएगा 2500, ये देखिए स्टूडेंट्स अपोन में क्या आया 2500, अगर हम इसको काटते हैं तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये देखिए 2500 का 100, ये देखिए 2500 का 100, और ये आया 6.25 को अगर हम 4 से गुना करते हैं, देखिए स्टूडेंट 6.25 को 4 से गुना करते हैं, 4 5 20, 2 4 2 8 और 2 10 की 0 1, और 4 6 24 और 1 25, देखिए स्टूडेंट्स, और 2 के बाद पॉइंट हम लगाते हैं तो क्या मिला हमें 25, देखिए इस पूरे को काटने पर क्या मिला 25, तो देखिए आर स्क्वायर, इसका मतलब ये 25 क्या आया, आर स्क्वायर हमें बताना था, आर स्क्वायर बराबर है क्या आया 25, तो आर क्या होगा स्टूडेंट्स, आर 25 अंडररूट हो जाएगा, तो यानी 5 यहां पर आर हमें प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट्स देखिए इस प्रकार से जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर की बात हो और समय 2 साल और 3 साल दिया हुआ हो, तो इस प्रकार से आप इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं।